गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल की क्लास में अपन ने स्टडी वाली क्लास में अपन ने न्यूनेटल इक्वेशंस को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको दो सोर्स बताए थे और उसके डेफिनेशंस और उसके फैक्टर्स बताए थे। सोर्स में मैंने आपको इसका एंटीनेटल और इंट्रानेटल और पोस्टनेटल जो सोर्स बताए थे इन्फेक्शन के। उसके बाद मैंने बोला था आपको इस इन्फेक्शन में इन सोर्स के कारण कौन कौन सी जो डिजीज होती है इन्फेक्शन आफ्टर द बर्थ न्यूनेट में उनको हम मिलेंगे। तो पहले ले रहे हैं हम ऑप्थेलमिया न्यूनेटल या न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, जो कि एक इन्फेक्शन है आई का। आँखों में ये इन्फेक्शन होता है जो कि वेरियस कॉजेस में बैक्टीरियल, वायरल एंड केमिकल कॉज होते हैं। इन कारण से ये न्यूनेटल आफ्टर द बर्थ ये जन्म के उपरांत बच्चों में होते हैं और किन किन कारणों से होते हैं और क्या क्या इनके सिम्टम होते हैं और इनका डायग्नोस कैसे करते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं आपके डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस या ऑप्थेल्मिया न्यूनेटल इज डिफाइंड बाय जो होता है इन्फ्लेमेशन होता है इन्फ्लेमेशन और कंजक्टिवा इन्फ्लेमेशन होता है जो डेट अकर ड्यूरिंग वन मंथ ऑफ लाइफ आफ्टर द बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के उपरांत के बाद एक महीने के अंदर ये डिजीज होती है जिसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन होता है कंजक्टिवा, इट्स कॉल्ड न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस या ऑप्थेल्मिया न्यूनेटल। और यह इसमें कई कॉज होते हैं, कई कारण होते हैं जो इसको इसके लिए कारण बस होते हैं। अब लेते हैं हम इसमें टाइप्स कि ये कितने प्रकार से जो है होता है। पहला होता है सेप्टिक, दूसरा होता है सेप्टिक। पहले देखते हैं सेप्टिक में जैसे जो जैसे मैंने बताया आपको ये वेरियस कॉज में बैक्टीरियल वायरल इफेक्ट जैसे बैक्टीरियल लेते हैं पहले हम, तो बैक्टीरियल सबसे पहले आता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ये बैक्टीरिया होता है जो ट्राइकोमैटिस बैक्टीरिया का होता है। इसमें क्या होता है मेन कॉज इसका ये जो होता है यानी अनल जो केनाल या विजाइना जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन होता है उसका जो मेन पोर्ट ऑफ ट्रांसमिशन रीजन इसका ये होता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो पासिस केनाल है उसके द्वारा या विजाइना बोलो जिसमें जो प्रजेनेशन होता है डिलीवरी के दौरान उसके दौरान ये प्रोटीन हो सकता है। इसमें यह लिखते हैं इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं अदर बैक्टीरिया जैसे कि न्यूमोकोकस हो गया आपके स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई या न्यूमोकोकस, ये सभी बैक्टीरिया इसमें अदर बैक्टीरिया में एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट इसमें सेप्टिक में होता है क्योंकि सेप्टिक दोनों प्रकार के आते हैं इसमें बैक्टीरिया बाइलेटरल इनफेक्शन होता है जिसमें क्या होता है इसको अनहाइड्रेटेड भी कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार के होता है वायरल और बैक्टीरिया। वायरल में कौन सा हर्पस सिंप्लेक्स द्वारा भी ये सेप्टिक में आते हैं टाइप्स में। नेक्स्ट लेते हैं हम एसेप्टिक कौन से होते हैं जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट जो कि एसेप्टिक कौन में आता है सिल्वर नाइट्रेट 1%। दूसरा जो टॉपिकल
जो ड्रॉप होती है, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन वगैरह का जो ड्रॉप है, इरिथ्रोमाइसिन इनके द्वारा ये हो सकता है। तो ये टेस्ट देखें हमने, ये पहला है सेप्टिक। सेप्टिक में हमने जैसे पढ़े कि बैक्टीरिया जो है, जैसे कि क्लैमाइडियल, ट्रोकोमैटिस और अदर बैक्टीरिया, जैसे न्यूमोकोकल है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेपाइलोकोकस है, ईकोलाई है, ये बैक्टीरिया होते हैं जो वायरल में होते हैं। वायरल में हर्पस सिंप्लेक्स होता है जो आई के डिजीज में इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट होते हैं एसिडिक। एसिडिक में हमने देखा कि सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन होता है जो टॉपिकल में हम यूज करते हैं, वो इन्फेक्शन का एक कारण बन सकते हैं। दूसरा टॉपिकल ड्रॉप्स में जैसे कि यूथ्रोमाइसिन, ये आई इन्फेक्शन को कर सकते हैं, आई इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब लेते हैं हम इसमें, जैसे अपने डेफिनेशन और टेस्ट को लेकर हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है मेनली क्या है, डिपेंड होता है इनके इटियोलॉजी और इनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे। जैसे कि पहला लेते हैं, जैसे या साइन सिम्टम बोलो, पहले लेते हैं केमिकल। केमिकल जो रिएक्शन है, जैसे कि मैंने बताया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट 1% जो ऑक्यूलर इन्फेक्शन है उसको यूज क्यों दिया जाता है, ये उसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, पर ये इन्फेक्टेड कर सकता है। जो तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, ये स्टार्टिंग 1 day से स्टार्ट होता है, और जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है टोटली, यानी ये इंक्यूबेशन पीरियड पर डिपेंड करता है, इसलिए टाइम होता है 2 से 4 day। तो ये हो गया। और इसमें जो सिम्टम आता है, पहला कहते हैं माइल्ड रेडनेस होती है इसमें, माइल्ड रेडनेस और स्लाइटली स्वेलिंग होती है। तो ये इसमें रिएक्शन आते हैं, सिम्टम आते हैं, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 day, और इसको आसानी से हम इजीली रिसोल्व कर सकते हैं 2 से 5 days में। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, इसमें जैसे बैक्टीरिया का लेता हूं मैं, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 14 days, ठीक है। और जो ट्रांसमिट होते हैं नॉन डिलीवरी ड्यूरिंग कैनाल के द्वारा, तो ये स्टार्ट। और इसमें सिम्टम कौन कौन से आते हैं, इसमें रेडनेस आई और आई लीड स्वेलिंग। थर्ड जो आता है इसमें जो डिस्चार्ज होते हैं, पुलेंट डिस्चार्ज होते हैं, पुलेंट डिस्चार्ज, पुलेंट डिस्चार्ज से कि ये ब्लीक टाइप जो डिस्चार्ज होते हैं, यानी बस समान मान लो आप, ये डिस्चार्ज में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रहता है इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 7 days। इसमें क्या होता है, ये जो है गोनोकोकल कंजंक्टिवाइटिस, इसको हम इरिगेशन के द्वारा सॉल्यूशन करते हैं। इरिगेशन जैसे कि हम, जैसे इसमें क्या होता है, अल्सर होता है, कंजंक्टिवा पर अल्सर होता है जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इसके हम द्वारा इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन जैसे नॉर्मल सलाइन के द्वारा हम बाय आईवी स्टैंड से वो तो कनेक्ट करके आईवी फ्लूइड के अकॉर्डिंग हम आईवी के द्वारा इरिगेट करते हैं। दूसरा जो ये कंडीशन होती है, ये जो है काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है, इसमें हमें हॉस्पिटल यूनिट जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें,
सेलिंगर कंडक्टर आर्टरी या नॉन क्लेम आर्टरी या नॉन जोनो कॉमन ये कंडीशन क्या होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 to 14 डेज होता है। इसमें सिम्पटोमेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो और ये आसानी से हम रिसोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें वायरल, वायरल में कौन सा हर्पस सिंप्लेक्स, इसको हम कहते हैं केराटो कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। जो आई में एक कंडीशन होती है, जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं जेरेटो कंजक्टिवाइटिस, जो कि इसका आंसर होती है हर्पस सिंप्लेक्स जो वायरस है उसके द्वारा। अब लेते हैं हम इसमें तो अब हमने ये पढ़ लिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें मैं आपको सॉरी मैं सिम्टम बता रहा हूँ या साथ में, तो मैं पहले इसका बता दूँ कि जो हर्पस सिंप्लेक्स में जो सिम्टम आ रहे हैं वैसे रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पर नॉन पुलेंट डिजा होते हैं, नॉन पुलेंट डिजा, नॉन पुलेंट डिजा होते हैं। फर्स्ट जैसे मैंने बताया था आपको दोनों कॉकल में सिम्टम वही सेम रेडनेस होती है, उसमें दोनों कॉकल कंजक्टिवाइटिस बता रहा हूँ, में स्वेलिंग होती है आई लिड, आई लिड स्वेलिंग और जो विचार होते हैं वो भी फुले होते हैं। ये सेम सिस्टम तीनों में रहेंगे, दोनों का सबसे बड़ी है या मिस सेलिंग है, नॉन 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 माइटिक नॉन माइटिक ट्रकोमेटिस कंजक्टिवाइटिस है या क्लाइमेटियल या टोकोमेटिस कंजर्वेटिस में, ये सिम्टम उसमें सेम रहेंगे सब में, रेडनेस हाइडेड स्वेलिंग और लेट डिस्चार्ज। और जो मेन है हर्पस सिम्प्लेक्स उसमें ये नॉन बुलेट डिस्चार्ज होते हैं, बुलेट डिस्चार्ज यानी कि जो मिल्क सामान होते हैं और नॉन बुलेट उसमें यानी दूध के सामान वो नहीं होते, तो ये नॉन बुलेट हुए। अब लेते हैं हम इसमें इटियोलॉजी, इटियोलॉजी किस किन कारणों से होता है, कारण जैसे कि पिछले वक्त मैं आपको बता चुका हूँ पहला कारण तो इसमें ये होगा जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में सबसे पहला बैक्टीरिया जो है कारण वही क्लेमाइडियस ट्रैकोमैटस, दूसरा अदर बैक्टीरिया जैसे कि निमोकोकल, इकोलाई और हर्पस सिम्प्लेक्स, दूसरा टेक्निकल जो रीजन होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट, प्रीवियस इटियोलॉजी के हिसाब से सिल्वर नाइट्रेट 1%। अब तो इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं किस किस कारण से हो सकते हैं, जैसे कि डोमिटोरी के दौरान जो है उसमें हम कैनाल के द्वारा वो हम टेक्निक यूज नहीं करते, ऐसे टेक्निक उसके पूरे नहीं हो सकते हैं, या कैनाल यानी मैदाने के द्वारा जो डोमिटोरी के दौरान इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा इसमें हम जो है जो HIV है बच्चे ये प्रीमैच्योर बेबी है या पुअर एनेटल केयर है या पुअर हाइजीनिक केयर हो गई, पुअर हाइजीनिक कंडीशन डोंट बट यूज ऑफ डोमेट डिलीवरी एंड अनफॉलो द यूनिवर्सल प्रिकॉशन, ये सभी रीजन किसी के अंदर आएंगे। तो मेन रीजन ये बैक्टीरिया प्लस ये रिस्क फैक्टर जो होते हैं जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस या सिल्विया न्यूनेटल को डेवलप करते हैं। अब लेते हैं हम इसमें डायग्नोस्टिक, हम कैसे डायग्नोस करेंगे इस डिजीज को,
जो डायग्नोस है ऑप्थल्मिक न्यूनेट्रम या कंजक्टिवाइटिस न्यूनेट्रम का, न्यूनेट्रल कंजक्टिवाइटिस का, वो डिपेंड करता है इसके क्लिनिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पर। जैसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर आई का रेड होना या इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा या आई लिड स्वेलिंग या विजुअल या यानी इंफ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन का भी इंफ्लामेशन होता है और कोलेट डिचार्ज मतलब कोई डिचार्ज है, तो ये सभी हम इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा डायग्नोस हम करते हैं लैब के अकॉर्डिंग, लैब में जैसे ग्राम स्टेन जो बैक्टीरिया को हम डायग्नोस करते हैं या कल्चर कल्चर हो स्क्रैपिंग करते हैं कंजक्टिवा स्क्रैपिंग करते हैं। नेक्स्ट उसमें लेते हैं कि हम कल्चर ऑफ द एपिथेलियम सेल्स यानी एपिथेलियम सेल्स से कंजक्टिवा के ऊपर एपिथेलियम सेल्स से हम कल्चर ले सकते हैं। तो ये डायग्नोस का एक कंडीशन है कल्चर ऑफ एपिथेलियम सेल। तो इस हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं दो प्रकार से, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और दूसरा डायग्नोस लैब लैब के द्वारा कराने से कल्चर ऑफ ब्लड अगर कंजक्टिवा स्टेबिंग या कल्चर ऑफ एपिथेलियम सेल। तो ये हो गया आपके डायग्नोस। डायग्नोस के बाद हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट पहले कहते हम कि इसको रूटीनली कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो एसेप्टिक टेक्निक है उसका यूज करना या जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उसका यूज करना और जो एनवायरमेंट कंडीशन है यानी इन्फेंट के चारों तरफ उसको हम क्लीन रखना या जो फर्श वगैरह है फ्लोर है या यूनिटल केयर यूनिट है वहाँ पे हमें क्लीननेस रखनी पड़ेगी तब तक हम इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। दूसरा हमें प्रिवेंट करना है न्यूनेट्स को या इन्फेंट्स को क्रॉस इन्फेक्शन से जो कि आफ्टर द बर्थ काफ़ी होता है। और अब मेडिकल मैनेजमेंट में कैसे लेंगे, इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे कि अगर क्रिटिकल इन्फेक्शन है तो उसमें हम लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट अगर क्लाइमेटिक ट्रोकोमेटिस कंजक्टिवाइटिस कंडीशन है तो उसमें हम सिस्टमेटिक थेरेपी देते हैं मेडिकल की, मेडिकल सिस्टमेटिक थेरेपी प्लस इरिथ्रोमाइसिन जो टॉपिकल ड्रॉप्स है इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। नेक्स्ट इश्यू होता है जैसे दोनों को अगर दोनों को कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें कौन सी थेरेपी देते हैं, उसमें यही सिस्टमेटिक थेरेपी तो है ही, मेडिकल सिस्टमेटिक थेरेपी देनी है साथ में हमें इसमें जैसे मैंने बताया आपको इसमें इरिगेशन करना है, इरिगेशन इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग अगर है कंडीशन तो इरिगेशन नॉर्मल सलाइन के द्वारा हम इसे इरीगेट करेंगे। दूसरा इसमें कंडीशन जो रहती है हॉस्पिटल की रहती है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन होता है, इसमें जो एंटीबायोटिक्स होती है वो पेनिसिलिन या सेफ्रोजोन भी इसमें दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स है। थर्ड इसमें जो लेते हैं विसेलिशियस कंजक्टिवाइटिस या नॉन क्लैमाइडियल ट्रैकोमैटिस या नॉन जोनोकोकल इन्फेक्शन में क्या लेते हैं, उसमें लेते हैं जैसे गेटिप्रोक्सिन है, ऑफोक्सिन सॉरी सिप्रोक्सिन है, टोब्रामाइसिन है और मोक्सिप्रोक्सिन है। तो ये सब विसेलिशियस कंजक्टिवाइटिस या नॉन क्लैमाइडियल कंजक्टिवाइटिस या नॉन जोनोकोकल इन्फेक्शन में लेते हैं। सभी एंटीबायोटिक जैसे कि गेटिप्रोक्सिन है, टोब्रामाइसिन है, वो
ऑक्सीकोक्सीन है, ये एंटीबायोटिक सब ले सकते हैं। तो लास्ट है हर्पस सिंप्लेक्स, जो वायरस अगर कंजंक्टिवाइटिस है या केराटो कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें लेते हैं एसिक्लोविन या ड्रॉप एसिक्लोविन। ये ड्रॉप जो है ये एंटीबायोटिक सिस्टमेटिक थेरेपी, ये ड्रॉप जो टॉपिकल ड्रॉप के द्वारा हम दे सकते हैं केराटो कंजंक्टिवाइटिस या हर्पस सिंप्लेक्स कंजंक्टिवाइटिस। तो ये आपका मेडिकल एंटी सिस्टमेटिक जो मैनेजमेंट है मैंने कंप्लीट करवाया है। अब देखते हैं प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव क्या करेंगे, ये प्रोग्रेसिव जो है वो कंजंक्टिवाइटिस की गुड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर हम प्रोग्रेसिव ऑफ यूरेटल कंजंक्टिवाइटिस इज जनरली गुड एज ए लॉन्ग अर्ली डायग्नोसिस इज बैड टू प्रमोट मेडिकली थेरेपी एंड इनिशियल, यानी प्रोग्रेसिव करने के तुरंत बाद हमें जो भी मेडिकल या ट्रीटमेंट थेरेपी है तुरंत स्टार्ट करनी है। इन गैरेंटेड कैसे, जैसे कुछ इस प्रकार कैसे होते हैं, जैसे कि इसमें क्या है, ये डेक्रोमेलिसिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डेक्रोमेल डक्ट, यानी जो नेजोक्रोमेल डक्ट से भरी होती है, यानी आंसू का रास्ता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रुक सकती है किसके कारण से, इन्फेक्शन के कारण, अगर हमने सही टाइम पे प्रिवेंट नहीं किया तो। दूसरा इसमें जो इन दोनों का इन्फेक्शन होता है, जो उसमें क्या होता है कॉर्नियल अल्सरेशन होता है, उन अल्सरेशन के लिए हमें इरिगेशन जो है थेरेपी और हॉस्पिटलाइजेशन जैसी कंडीशन भी आती है, तो उसे भी हमें जल्द से जल्द प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन जो होती है हमें न्यूनेट्स को प्लैनेट्स की तरफ भी ले जा सकती है, अगर इसे सही टाइम पर आपने इसको प्रिवेंट नहीं किया या प्रोग्रेसिव नहीं किया तो। तो ये आप जो है इन्फेक्शन में मैंने पहला लिया है ऑप्थाल्मिक नियोनेटम या नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस, जो आज कंप्लीट करवाया है, उसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन टाइप्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इटियोलॉजी डायग्नोसिस मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेसिव और रिस्क फैक्टर भी मैंने इसमें साथ में बताया आपको। तो अब जो नेक्स्ट क्लास वीक कल टुमारो होगी, और आप जो भी हैं कुछ है तो हमें ऑनलाइन क्लास के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो अटेंडेंस है हम भेज पाएंगे। अगर क्लास अटेंड नहीं हुई या कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं आता या आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।